ये पढ़ाई लिखाई के अलावा एक और चीज था हमारे जिंदगी में, वो था हमारा प्यार। टेस्ट सीरीज के दिन वैलेंटाइन डे के हमारा टेस्ट सीरीज लड़ गया था, हम उनसे मिल नहीं पाए थे। ससुरी बहुत ही खुशी आई थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, इस साला प्यार परीक्षा के बीच काहे होता है। पटना में रहकर कुछ होना हो ना हो, आदमी सब्जी खरीदना और बात बनाना सीख जाता है। ये दिमाग में बस एक ही टोटका चलते रहता है कि रूम बदलने से किस्मत बदल जाती है। सो कभी हम किसी रूम में 3 महीने से ज्यादा रहवे नहीं किए। बदलते रहे रूम इस कदर कि सारे मकान मालिक अपने अंकल हो गए थे। एको 5 लीटर वाला गैस और बर्तन, आई लूसेंट की किताब, बेरोजगारी से लड़ने का यही हथियार था हमारे पास। भाई साहब कभी उस स्टूडेंट का दर्द जानते हैं जो 30 रुपए में 50 पासपोर्ट फोटो के लिए मुसल्लापुर से सुल्तानगंज की यात्रा तय करता है? ये चेहरा वही रहता है, बस खाली डेट ऑफ फोटो का तारीख बदल जाता है। न जाने कितनी बार उस लेट की तारीख को रुमाल से पोछ पोछ के खाली फोटो खिंचाने के दिन मुस्कुराता है। देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते ही रोज 5 किलोमीटर दिल्ली दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। पहले डिफेंस लाइन, फिर SSC और फिर BPSC। जानते हैं साहब, सब कुछ हो जाता है, खाली नौकरी नहीं होता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, बस रह जाता है तो खाली बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होता है, कभी दानापुर रैली में आकर देखिए। रैली रैली ना होकर सोनपुर का पशु मेला हो जाता है। जब 250-250 का बैस दौड़ने के लिए निकलता है ना, तो जान निकल जाता है। हाफते हाफते मुंह से खून निकलने लगता है। आई 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ने के लिए आदमी को भूत बनना पड़ता है, इंसान के बस का बात नहीं है। इसी बेरोजगारी ने हमें सिखाया है कि कैसे खुले प्लेटफॉर्म पर 10 रुपए का प्लास्टिक का चटाई खरीदकर बिना तोशक तकिया का सोया जाता है। बेरोजगारी का नशा ऐसा था कि क्या कहें आपको, GKGS का फॉर्मूला पूरे रूम में चपकाए रहते थे और एंटोसाइनो को तो सेम्पूनियन अपने सर में लगाते थे। देखिए आजकल तो फॉर्म ऑनलाइन भरा रहा है, आधार कार्ड भी लिंक कराया जा रहा है, न तो पहले 3-4 जगह से फॉर्म अप्लाई होता था कि कहीं से न कहीं से कॉल लेटर आ जाए। आई घर का पता बदल कर कितनी बार आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं, ये बस छपरा का चहरी जानता है। मैट्रिक का परीक्षा पास करते ही कहीं और से फॉर्म भर देते थे मैट्रिक का, कि एक वेज खत्म हो जाए तो दूसरा तैयार रहे। ये पटना के गलियों में स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं। सुल्तानगंज महेंद्रू से मखनिया कुआं तक खाली स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। आई बेगना पहाड़ी के पास तो दीवाल नहीं, खाली पोस्टरे दिखता है। ER फलाना, DR फलाना, सबका अपना धंधा होता है भाई। नौकरी के लिए 40 तक मुहजबानी पहाड़ा, 50 तक स्क्वायर सब याद है। साला समझे में नहीं आता था कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट। एक बार दीदिया के ब्याह में हमारे SSC के एग्जाम लड़ गया था। हम ब्याह में नहीं गए कि क्या पता नौकरी इसी परीक्षा में मिल जाए। शाम को जब घर लौटे थे ना, तो बहुत ही रोए थे, कहे कि साला कोनो ठेकेदार पहले ही पेपर आउट कर दिया था। एक पढ़ाकू बेरोजगार के लिए सबसे बड़ा त्याग था ही अपने रोजगार के लिए। देखिए बहस तो पहले भी चलता था और आज भी चल रहा है, कहे कि हम बेरोजगारों से भी किसी का रोजगार चल रहा है, लेकिन साला अपने रोजगार का आता पता नहीं है। सच कहे तो थक गया था मैं, अब इम्तिहान नहीं दिया जाता था मुझसे, अब तो मेरा ही इम्तिहान हो रहा था। मेरी जवानी का, मेरे पापा के पैसों का, इसलिए जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करके पटना और पढ़ाई छोड़ के घर चल दिया, पापा के साथ खेती में हाथ बटाने, सब कुछ भूल के। लेकिन अचानक 4 साल बाद जब हम गोबर उठा रहे थे, तो डाक मुंशी ने मुझे एक लेटर पकड़ाया। हम गोबर सने हाथ से वो लेटर फाड़ दिए। अब देखे तो अंदर ज्वाइनिंग लेटर था, और हमारी किस्मत का दरवाजा उस लेटर के खोलते ही खुल गया, और गोबर मास्टर से सीधे वीडियो बाबू बन गए। सरकारी नौकरी मिलने का जो खुशी होता है ना, वो सिर्फ हम ही फील कर सकते हैं। हमारी माई कहती थी कि बेटा कभी जिंदगी में हार मत मानना, दो ही चीज होता है, या तो करना है या तो नहीं करना है, ये तीसरा कुछ भी नहीं होता है।
हमारे हाथ पे राखी बांधते समय दीदिया कहती थी कि जे दिन तू बड़ा अफसर बनेगा ना, सूद मुंड सब जुड़ के साथ लेंगे। आहू बाबूजी की एक लाइन तो भोरे नहीं पड़ता है महाराज। मरद और समय कबू पीछे मुड़ के नहीं देखता है, जहाँ रहता है उड़ियाते रहता है। एक बात कहें, जे चीज आप चाहते हैं ना आपको मिलेगा जरूर, बस हिम्मत मत हारिएगा, आज साथ नहीं छोड़िएगा। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना की बेरोजगारी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके बाय, लव यू ऑल। चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कर दीजिए।